नमस्कार जोहार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। अमूमन होता क्या है कि कई बार आपके पास जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में होते हैं तो ऐसे लोग आपके पास फरियाद लेकर के आते हैं, सिस्टम से परेशान लोग, व्यवस्था से परेशान लोग। ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ है, इनका नाम दिनेश प्रसाद है। दिनेश जी से मेरा पुराना परिचय है, कई बार ये मुझसे मिले, लेकिन पहले जब ये मेरे पास आते थे, ये अपनी फरियाद बताते थे, तो मुझे लगता था भाई ये आदमी पागल है, ये आदमी जिस तरीके का आरोप लगा रहा है कोई ये ऐसा कर सकता है क्या? मतलब इतना भ्रष्ट, ठीक है मानते हैं झारखंड में भ्रष्टाचार है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार ये संभव नहीं है। ये जो मौजूदा गोविंदपुर अंचलाधिकारी हैं शशिभूषण सिंह, उनके बारे में मुझे शिकायत करते थे, तो मैं सोचता था एक आदमी इतना भ्रष्टाचार कर सकता है क्या? मैं लिटरली कसम से बोल रहा हूँ, भगवान की कसम बता रहा हूँ कि मैं इस आदमी को पागल समझता था, कि आदमी पागल है। लेकिन अब जब शशिभूषण सिंह ईडी के हत्थे चढ़े और शशिभूषण सिंह के बारे में मैंने खोदना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि भाई ये तो बिल्कुल सच बोलता था ये आदमी। और फिर किसी तरीके से एक बार फिर से मैं दिनेश जी से संपर्क किया हूँ। दिनेश जी अब मेरे साथ हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो एक बात आप बताइए, ईडी के पास आपके ईडी के अधिकारी भी आपसे संपर्क करके सबूत ले रहे हैं? जी सर। क्या कहा आपने? ईडी के पास जो हमने गया, उनको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिया है, बहुत सारा साक्ष्य दिया, किस तरीके से शशिभूषण यहाँ पर घपला के करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। और हमारा एक प्रॉपर्टी हम लिए थे एयरपोर्ट हेतु में, तो हेतु बस्ती का जो ज़मीन है ये भूमि अधिग्रहण, एयरपोर्ट के द्वारा भूमि अधिग्रहण में चला गया 2009 में। उस समय जब चला गया तो उस समय कुछ पैसे का मजबूरी के कारण हम मोटेशन नहीं करा पाया था। तो उसका बाद 2011 में जब हमने मोटेशन के लिए अप्लाई किया था, तो उस समय रुक्मणी देवी उर्मिला देवी ने आपत्ति दी कि इसमें प्रोबेट केस चल रहा है, इसलिए इनका मोटेशन नहीं किया जाए। और उस समय 2012 की बात है, और 2012 में रुक्मणी देवी का दामाद जो कर्मचारी शशिभूषण सिंह, राजस्व कर्मचारी अंचल में ही राजस्व कर्मचारी थे, नामकुम अंचल में ही। एक मिनट रुकिए, आप कह रहे हैं कि आपने जो आपकी जो ज़मीन है, आपने मोटेशन के लिए जब अप्लाई किया तो उसमें ऑब्जेक्शन डाला रुक्मिणी देवी उर्मिला देवी, और ये ऑब्जेक्शन डालने वाली रुक्मिणी उर्मिला देवी जो है वो शशिभूषण सिंह की सास हैं। सास है। मतलब कुल मिला करके शशिभूषण सिंह ने हाँ जी हाँ, इसमें जो भी काम है वो घरेलू लेडीज है, उनको तो इतना तक का पहुँच भी नहीं है, अकल भी नहीं है। वो घर का एक पुराना बुजुर्ग जिस लेडीज है उस टाइप से है, खाना बनाना, खाना घर का, बाल बच्चे को देखना। अच्छा। उसके सिवा वो एक ऑफिस अगर बोल दिया जाए, उसको अगर सीढ़ी में चढ़ा के फर्स्ट फ्लोर में और फिर बोला जाए कि उस रूम में चले जाए, तो वो नहीं जा पाएगी। तो उनका पेपर एक दिन में मैंने आज अप्लाई करेंगे और फटाफट काम हो जाएगा, जो कि लोगों को काम करने में उस सालों साल लग जाता है, महीनों लग जाता है, सालों में चला जाता है। इसका भी इसमें तो जब मोटेशन के लिए अप्लाई किया तो इसमें रुक्मणी देवी उर्मिला देवी ने 2011 में जानकारी दी कि इस खाता प्लॉट में खाता नंबर 30 प्लॉट नंबर 1195-1202-1298-1299-1301 में प्रोबेट केस 4-4 टाइटल शूट केस चल रहा है। उसी टाइम हम लोगों को पहली बार पता लगा कि इसमें केस भी चल रहा है, जबकि 2004 में हम परचेज किए थे, उस समय किसी को पता नहीं था। ये भी बेच रहे हैं मंतोरनी देवी, मनसा सिंह भी बेच रहे हैं, और ये जो रुक्मणी देवी उर्मिला देवी, ये लोग भी बेच रहे हैं। अब आगे जब इसमें आपत्ति जब मिला तो फिर उसके बाद मेरा मोटेशन निरस्त हुआ। निरस्त होने के बाद में फिर हम अपील के लिए जाएंगे, तो LRDC का कहना था कि अभी इसमें प्रोबेट केस चल रहा है, इसलिए अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। LRDC कौन था? उसमें ज्ञान रंजन जी LRDC थे। जब ये मोटेशन मेरा निरस्त हो गया, उसके बाद ये तो उसमें 24/8/12 को, मतलब इसमें सुनवाई हुआ 24/8/12 में, ये लिखते हैं अंचल में
दाखिल खारिज विभाग संख्या 731/27/2006-07 को निरस्त करते हुए अभिलेख रिमांड किया गया है। तो जो रिमांड किया गया था वो आज तक रिमांड भी LRDC के द्वारा आदेश था, जो आज 12 साल हो गया आज तक रिमांड वो रिमांड में ही है, चूँकि इनके पहुंच बहुत ऊपर है। इससे ज़्यादा साक्ष्य क्या चाहिए? जो है हम कागज़ दिखा रहे हैं, कागज़ के तो लिखित ऑफिशियल कागज है, उसके बदौलत हम बोल रहे हैं। अंचलाधिकारी नामकुम के तर्ज पे यहाँ सिग्नेचर किसका है? इसमें राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह का भी है इसमें, और ये अंचल अधिकारी नामकुम जो है ये श्वेता वर्मा थी उस समय, शुभ्रा रानी, शुभ्रा रानी 24/8/12 को शुभ्रा रानी ही थी। अच्छा। और ये चार्ज दिया है श्वेता वर्मा को 26/8/12 को। अब 26/8/12 में इसमें भी खेला हुआ है, जब ये आप दिया जिला भूअर्ज, इसमें देखिए आप जिला भूअर्जन पदाधिकारी यहाँ से नोट मांगा गया कि अंचल अधिकारी से, जिसका पत्रांक है 1760, दिनांक है 27/8/12, जो वंशावली सत्यापन करके अंचल से मांगना था, वो 27/8/12 को ये लिखते हैं जिला भूअर्जन पदाधिकारी अंचल के लिए। और इसमें खेला भी ये है, इसे समझिए कि ये भी खेला कैसे हुआ है। 27/8/12 को तो ये लिखे, अब एक ही दिन में, मतलब एक दिन में पहुंच भी किया। अच्छा, 27/8 को लिखते भी हो, 27/8 को उजारी भी हो जाता है। हाँ, वंशावली भी तैयार हो जाता है। अभी वंशावली तैयार तो वो पहले हो गया था, वो मैंने ये कानूनी तौर में, इसको टेक्निकल चीज़ है, इसको एक दिन में वो सब सॉर्ट आउट कर, एक दिन में पहुंच गया। और 27/8/12 को ना अंचल अधिकारी जिला वो दे दिए, ना ना वो जांच करके रिपोर्ट बना करके वो भेज भी दिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों को देखना चाहिए। देखिए, ये मेरे हाथ में रांची समाहरणालय का एक कागज़ है। इस कागज को जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें दिनांक 27/8/2012 को वंशावली सत्यापन एवं स्वामित्व संबंधी प्रतिवेदन मांगा गया है कि भाई आप जांच कीजिए कि ये वंशावली सही है और नहीं है। इसमें लिखा गया कि उपर्युक्त संबंध में कहना है कि मौजा हेतु थाना 298 प्लॉट 1195/1202/1298/1299/1301 में मुआवजा प्राप्त करने हेतु रुक्मिणी देवी है, वही रुक्मिणी देवी जो इनकी सास हैं, के द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र की तो आपसे अनुरोध है कि शपथ पत्र में वर्णित वंशावली का सत्यापन कीजिए, प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व खतियान और पंजी टू रैयत सहित प्रतिवेदन भेजे, मतलब जांच रिपोर्ट भेजे। ये 27 तारीख को, मान लिया 27 तारीख को ये रिपोर्ट निकली है, तो मतलब भू अर्जन से आपको पता है, भू अर्जन से नामकुम अंचल का जो डिस्टेंस है, अगर पैदल भी जाएगा आदमी तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, ठीक है, अगर पैदल जाएगा आदमी। चिट्ठी है, सरकारी चिट्ठी है, इसकी अपनी स्पीड होती है, ये अपनी स्पीड से गई होगी खैर, लेकिन पहली बार सरकारी काम आप देखिए, ये अंचल कार्यालय का जवाब है, जाँच प्रतिवेदन जो भू अर्जन से मांगा गया। इसमें भू अर्जन देखिए, प्रेषक कौन है? अंचल अधिकारी नामकुम, सेवा में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, वंशावली सत्यापन एवं भूमि स्वामित्व संबंधी प्रतिवेदन के संबंध में, उपर्युक्त विषयक प्रसंग के संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, मतलब ये शशिभूषण बाबू हैं, ने जांच कराई है। जांचोपरांत पाया गया कि मौजा हेतु ये फलाना ठिकाना जमाबंदी जो है ये बुद्धू सिंह पिता बचन सिंह के नाम से है, पंजी टू खेसरा संकेतना में प्रविष्टि कहीं दराज नहीं, मतलब पंजी टू में है नहीं, ठीक है, खेसरा इतना 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 सर्वे खतियान खाता नंबर 30 के अंतर्गत है, पंजी टू रैयत बुधू सिंह की मृत्यु हो चुकी है, वर्तमान में उनकी 2 पुत्रियां रुक्मिणी देवी और उर्मिला देवी उनकी उत्तराधिकारी है। बुधू सिंह की दोनों बेटी थी, बुधू सिंह की, यह हम ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जिस दिन वहाँ भू अर्जन से भेजा गया उसी दिन भू अर्जन को जवाब दे दिया गया, जवाब तो दिया गया उसी दिन, सेम डे में, उसका जांच एक दिन पहले हो चुका, लेटर निकलने से पहले जांच भी हो चुका, और एक दिन पहले 26/8/12 को सिग्नेचर भी हो गया CO का। सबसे बड़ा खासियत ये है, बहुत झारखंड, यह है झारखंड, इसी को कहते हैं हम लोग झारखंड, और अभी तक हमारा झारखंड इसी कंडीशन में चल रहा है। यहाँ एक अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे अधिकारी का चाहिए जो आज के डेट में नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये रुक्मिणी सिंह उर्मिला सिंह बुधू सिंह की बेटी हो गया, ये तो पता ही नहीं है कि वो 55 में वो एक्सपायर की थी धनमती कुंवर। अब ये लोग बोल रहे हैं तो जिससे जमीन लिया, हथियान में धनमती कुंवर के नाम, धनमती कुंवर है,
अब ये लोग बेटी बन के खड़ी हुई है, बेटी है या नहीं है ये तो बुद्धू सिंह बताएंगे, उनके खानदान के लोग बताएंगे। बुद्धू सिंह का खानदान वाले का खुद उसका बुद्धू सिंह का खानदान वाले बोलते हैं कि उनकी तीन पत्नी है, जिसमें तो मंतोरनी देवी जिससे हम लिखाए हैं पहला धनमती कुंवर जो है एक्सपायर कर गई है, तो मंतोरनी देवी उसे दो बेटी बोली जा रही है। अब है या नहीं है हम लोग को पता नहीं है कन्फर्म। अब उसके बाद ये देखिए, ये जब इसमें जो जांच जो एक दिन में जांच कर हो गया और ये जांच जो लेटर निकला उससे एक दिन पहले रिपोर्ट भी तैयार हो गया। इन लोग मैंने सपना में देख लिए थे कि कल आने वाला है और रिपोर्ट काम मिलने वाला है, और ये मिल भी गया रिपोर्ट, और 26/8 को सिग्नेचर भी हो गया सीओ का। ये है हमारे बहुत झारखंड राज्य, समझो ना। अगर ऑनलाइन भी बोला जाए तो इतना जल्दी नहीं पहुँचता है, वो भी हम ऑनलाइन भी भेजेंगे तो आज भेजेंगे तो एक दिन पहले उसको कैसे पता लग जाएगा, वो तो एक दिन पहले जान जानता है। ये गजब चीज़ है, भू अर्जन पदाधिकारी 27 को रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन एक्टिवनेस देखिए झारखंड की उस अंचलाधिकारी और उस कर्मचारी की। इन्हीं कर्मचारी ने अपनी सास को जमीन दिलाने के लिए एक दिन पहले जांच रिपोर्ट, मतलब भू अर्जन से लेटर गया नहीं होगा उससे पहले जांच रिपोर्ट तय। वो तो गलत है कि दो पुत्री है बंसावली जो बनाया गया है वो शशि भूषण का करामत था। उसी टाइम शशि भूषण राजस्व कर्मचारी थे नामकुम अंचल में 2012 में, तो उस समय क्या किया वो जांच रिपोर्ट जो बना कि दो पुत्री है वो भी हमने प्रूव कर दिया कि ये गलत है। और इसमें इसका जब हम RTI से मांगे कि किस आधार पर दो पुत्री है, तो उसका उसमें लिखा गया पत्रांग 961-2 दिनांक 27/8/12 की अभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है, जांच प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। किस आधार में बनाया गया, तो झूठा बनाया तो जांच प्रतिवेदन कार्यालय में रहेगा कहाँ से। ये लोग तो सपना देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उस आधार में बनाते हैं, कागज़ में तो कोई काम होता ही नहीं है। पहुँच है पैसे के बल में, आज तक 12 से 24 पहुँचा दिए पैसे के बल में, और अभी कितना ठेकाएंगे। और हम यहाँ का प्रशासन मुख्यमंत्री सबका नॉलेज में है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई करने के लिए इसमें हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे कि राजनाथ सिंह का जो बार बार नाम उठा रहे रक्षा मंत्रालय का, जो उनका नाम खराब कर रहे हैं, तो इसमें BJP वाले को संज्ञान लेते हुए एक कॉन्फ्रेंस करके इनको बयान देना चाहिए। आपको भी कभी बोला है क्या कि वो राजनाथ सिंह हमसे भी बहुत बार बोला कि आप पहचानते नहीं हो तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसे करके कितना बार उसके लोग धमकी तो सुने कि आपके लिए गुंडा उंडा पहले किए भी थे भेजे भी थे, लेकिन वो फिर जो भी है वो सलट गया। अब इसमें और चौंकाने वाला तथ्य होगा, जो 2012 में सुभ्रा रानी लिखित दो पुत्री है, अब 2017 में नामकुम अंचल में मनोज कुमार थे CO, अब उनको जब हम सारी स्थिति से अवगत कराया, हम बोले सर आप लोग इस तरह से आप फंस जाइएगा, और नहीं तो सही चीज़ की जो है इसको हम एप्लीकेशन दे रहे आप कर दीजिए। तो उन्होंने एप्लीकेशन देने के बाद में सारी स्थिति को देखते हुए, वो समझदार CO था, अब उस मेरा रिपोर्ट भी देख लीजिए। जब भू अर्जन में हम अप्लाई किए भुगतान के लिए, तो पत्रांक है 689-2 दिनांक 16/4/12, ये भेजते हैं जिला भू अर्जन पदाधिकारी अंचल अधिकारी नामकुम को बंसावली सत्यापित करने के लिए। उसमें बंसावली सत्यापित हो करके 796-2 पत्रांक 796-2 दिनांक 12/7/12 ये जिला भू अर्जन 12/7/12 को पहुंच रहा, मतलब उसका मायनों लग गया। अभी भी संज्ञान लेना चाहिए भू राजस्व के सचिव को डायरेक्टर को। मेरे पास जो जानकारी है कि रुक्मिणी देवी और उर्मिला देवी ये परमेश्वरी कौर की बेटी हैं, आपके पास है इसकी जानकारी? मुझे तो नहीं है। अब इसमें जो भुगतान के लिए जो जब बंद चला गया रिपोर्ट, तो हमारा तो उसमें लिख दिया गया कि पंजी 2 में नाम नहीं है मोटेशन के चलते, इसलिए इनका अभी अस्वीकृत किया जा रहा है, और प्रोबेट केस चल रहा है इसलिए अस्वीकृत किया जा रहा है। लेकिन वही चीज़ उन प्रोबेट केस में वो रुक्मिणी देवी उर्मिला देवी पार्टी है, प्रोबेट केस में पार्टी है। अब महीनों बाद मेरा रिपोर्ट भेजा गया तो उनको याद था कि प्रोबेट केस इसमें चल रहा है। यह है झारखंड। उसके बाद क्या? उसके बाद ये जो है जब उसमें भी चला गया तो मैनेज कर रहा था सारा राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह, और इसमें जो मैनेज करते हुए
ये जब भुगतान हुआ तो उसमें भुगतान भी हो गया 80 लाख रुपए का भुगतान। हाँ, तो पहला नंबर जो है ये जो वंशावली बनाया उसको निरस्त करने के लिए 24/7/17 को उपायुक्त का सिग्नेचर हो चुका, जिला भू अर्जन पदाधिकारी का हो चुका है, अपर समाहर्ता रांची का भी हो चुका है, तीनों का सिग्नेचर है। 17 अब इसमें भी 5 साल क्रॉस कर गया, 6 साल, लेकिन 5 साल तो लगा कार्रवाई करने में, लिखने में कि खाली कार्रवाई किया जाए, कार्रवाई नहीं होगा। ये वंशावली गलत, हाँ वंशावली गलत है। और उसके बाद उसका 6 साल क्रॉस हो गया जो निरस्त करने का, जो निरस्त नहीं हो रहा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिस दिन ये निरस्त होगा तो सारे के सारे अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी इसमें, अंचल से जिला CO चले जाएंगे, शोभरा रानी सेकंड में, राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह, CI हो गया दीक्षित थे उस समय, ये तीन जो रिपोर्ट भेजे ये तो साक्ष्य प्रूफ हो गया, ये तीन को जाना तय है। लेकिन किंतु परंतु का कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो हमको जानकारी है कि शशि भूषण के खिलाफ FIR करने का भी एक आदेश है, कोई जानकारी है? उनका बहुत मामला है सर, रांची में इतना मामला है, नामकुम अंचल में थे उस समय का बहुत सारा मामला है, उसके बाद में आप चले जाइए नगड़ी में बहुत सारा मामला है, पुंदाग में चलाइए, इनका कई एक ठो है जो शायद किसी को मालूम हो पाता होगा, पत्रकार को भी कम मालूम होता होगा कि इसका एक है या दो है, बहुत सारा मामला। अच्छा, तो आप मीडिया के पास इतने दिनों से नहीं जाते? मीडिया तो चला चला के तो थक गया, उसके बाद सबको मैनेज कर लेते थे, पेपर में निकलता था, पेपर में भी जब निकला तो पेपर वाला दैनिक भास्कर में, उस समय अमित कुमार थे DB Star में, जब उन्होंने छापा पूरा स्टोरी बना करके, तो उनका ऑफिस में राजस्व कर्मचारी एकदम जाकर चढ़ाई कर दिया, वहाँ पर हल्ला चिल्ला बहुत किया, रिपोर्टर लोग को धमकाने लगता है, रिपोर्टर लोग को धमकाने लगता है, वो चला गया था, अमित सिंह को भी धमका रहा था। अब क्या लगता है, अब कार्रवाई होगा? अभी तो इसमें हम थोड़ा और बताना चाह रहे, इसमें कारनामा इसका है, तो शुरुआत है अभी, इसमें हम अभी अच्छा अच्छा चीज़ बताना चाह रहे। हमको लगता है कि झारखंड राज्य में शशि भूषण अभी इन लोगों से भी बहुत ऊपर है, DC से भी ऊपर है, ऊपर है, तभी तो इतना खेला हो रहा है। इनका मामला DC के पास कई बार दिया हुआ है, यहाँ तक कि छवि राय महिपत रहे थे DC, मिश्रिसेन कोर्ट में हमारा रख लिया, सुनो कार्रवाई के जगह में मिश्रिसेन में रख लिया, रखने के बाद में कोर्ट में जब तक वो रांची में DC में थे, 2 साल से ऊपर हो गया, उसके बाद भी इन्होंने कोर्ट ही नहीं लगाया, छवि रंजन जी आए चार्ज लिए, उन्होंने कोर्ट लगाया, एक नोटिस आया मेरे पास कि उपस्थित हो और अपना पक्ष रखिए, उपस्थित हुए हम खुद अपने से DC कोर्ट में अपना से हम खुद रखे थे बात को, वकील के द्वारा ने हम अपने से ही रखे थे, उसमें क्या किया कि कोई आदेश नहीं हुआ, उस समय भी छवि रंजन जी से निरस्त करने के लिए बात किया, तो वो भी थोड़ा सा गुस्सा होकर के कुछ मतलब कोर्ट में ही है जो नहीं बोलना चाहिए था वो शब्द का इस्तेमाल किया कि आप जैसे आदमी से ना यही सब झारखंड बदनाम होता है। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं छवि रंजन जी, उनके रिश्तेदार, उनके जो भी लोग होंगे, देख लीजिए हमारे जैसे छवि रंजन जी बोले कि हमारे जैसे लोग ही बदनाम करते हैं और हम ही को पागल साबित कर रहे थे, तो आज देख लीजिए वो कहाँ और हम कहाँ हैं। तो उस समय राजेश्वरी भी जांच की थी, प्लॉट में गई जिसमें लिखा गया है कि दखल, प्लॉट में गई थी IS अधिकारी, उन्होंने जांच किया, उन्होंने लिखा कि दखल कब्जा हमारा है, इसमें सत्येंद्र सिंह खेती कर रहे हैं, अदबटाई में दिनेश प्रसाद को दिया जा रहा और ये 10-12 सालों से खेती कर रहे हैं, ये मतलब 14 की बात है उस समय, ठीक है, उसके बाद से मतलब अभी तक इसमें भी जो लिखा गया है, सबसे बड़ा खासियत बात है, इसमें सारे अधिकारी को सुनना चाहिए, जिसमें लिखा गया है IS अधिकारी लिखे है, श्री शशि भूषण सिंह रुक्मणी देवी का दामाद है जो अंचल कार्यालय नामकुम में पदस्थापित है, फिलहाल निलंबित है, उस समय मेरे केस में निलंबित भी हुए थे, जिस पर गड़बड़ी करने का शक उचित प्रतीत होता है,
क्योंकि राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर ही अंचल अधिकारी अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। कारण पंजी 2 पर भी छेड़छाड़ की गई है, जिसकी गहराई से जांच करना आवश्यक है। और ईडी वाले ने हमसे यही सवाल किए कि हमें शशि भूषण का सास रुक्मणी देवी है, उसकी साक्ष्य आप दे सकते हैं? तो हम ये साक्ष्य हो गया, उनको अभी हम ये कागज है, हमारा बहुत सारा पेपर ईडी रख लिए हैं और अभी बुलाएंगे, वो हमारा नाम एड्रेस फ़ोन नंबर सब रख लिए, बुलाएंगे, हमारा जितना कागज़ था सब रख लिया है। शैलेंद्र कुमार लाल जो अधिकारी हैं उनको कहते हैं? शैलेंद्र कुमार लाल जो है सबसे मेन मास्टरमाइंड यही है, और हमारा जो प्रॉपर्टी में सारा खेल इन्हीं से स्टार्टिंग हुआ है, हमारा खेल जो इन्हीं से स्टार्टिंग हुआ है। 796 जो अभी दिखाए थे, 478-2-25-4-11 शशि भूषण और ये शैलेंद्र कुमार लाल एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण के लिए यहीं से स्टार्टिंग गेम किए, और बंसावली राजस्व कर्मचारी के द्वारा उनके कहने पर इन्होंने एसके लाल उस समय नामकुम में सीओ थे। अच्छा। नामकुम में सीओ भी था 11 में, वहीं से खेल की शुरुआत हुई। खेल की शुरुआत वहीं हुआ, सीओ थे और वो राजस्व कर्मचारी थे, खेल करने में बहुत आराम हो गया, मियाँ बीबी राजी तो का करे काजी, वही उससे हो गया। जब राज सीओ है और राजस्व कर्मचारी है तो लोग कितना भी चिल्लाए कितना भी दौड़े तो वो चाहेगा वही ना लिखाएगा, तो वही कहावत के अनुसार ये आ गया। एक चीज़ और दिखाइए, आप एक अकाउंट नंबर मुझे दिखा रहे थे, वो अकाउंट नंबर दिखाइए दर्शकों को, वो अकाउंट नंबर जिस अकाउंट में इनका पैसे का लेन देन। नहीं नहीं, हम अकाउंट नंबर दिखा रहे हैं, उससे पहले थोड़ा और कुछ हम बात को क्लियर करना चाह रहे हैं। जब ये भूमि अधिग्रहण के लिए जब ये चला गया, पेमेंट हो गया, पेमेंट की भी कॉपी है हमारे पास, इसमें हम एक और उन्होंने जो शपथ पत्र दिया था, बंद पत्र दिया था, तो उसमें हम एक FIR लॉज कराए थे कोतवाली थाना रांची में, तो वो 11 जनवरी 2019 को हमने करवाया, और वो 5 साल 2 महीने आज के डेट में हो गया। लेकिन इसका कोतवाली DSP के द्वारा सुपरविजन किया जा रहा, जो सुपरविजन में आज तक रुका हुआ है, और इसके ले करके हम 2019 से ले कर 23 तक IG, DIG, सीनियर SP सभी के पास दौड़े, सिर्फ मात्र एक DGP बाकी रह गया है, बाकी सभी के पास दौड़े, सभी का रिसीविंग कॉपी है, 10 से 12-15 पेज में रहा अलग अलग डेट का, कि 2 साल बीत गया चार्जशीट नहीं भेज रहा, 3 साल बीत गया चार्जशीट नहीं भेज रहा, 3.5 साल बीत गया चार्जशीट नहीं भेज रहा, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज तक भी ये चार्जशीट रुका हुआ है, ये शशि भूषण पूरा मैनेज किए हुए है। अब के समय का इसमें जो है, अब जो भुगतान हुआ है उसमें सबसे तो भुगतान के समय में LRDC के पद में पहला तो थे जो निरस्त किया था वो SK लाल थे, शैलेंद्र कुमार लाल पहले, फिर वही वही है। हाँ, इनका काम CO में हाथ वो नहीं का था, अब LRDC में आ गया तो सबका निरस्त कर दिया, मियाँ बीबी राजी तो क्या कह रहे काजी, फिर वही कहानी आ गया, शशि भूषण का पहुँच और ये LRDC। अब उस समय जब निरस्त किया तो निरस्त करने के बाद में उसका रिमांड किया गया था कि दखल कब्जा स्वामित्व के आधार पर नए सिरे से रिमांड किया जाए, जो आज तक पेंडिंग है 12 साल में। दूसरा नंबर, अतिरिक्त प्रभार जिला भू अर्जन का उस समय 12 में ही शैलेंद्र कुमार लाल थे। अब वो देखिए, यहाँ निरस्त करते हैं 1 महीना पहले, और उसका दूसरे महीना में शैलेंद्र कुमार लाल, ये उन्हीं का सिग्नेचर है, उन्हीं का आदेश का कॉपी है 17/9/12 का, जिसमें सबको नोटिस दिया गया, और उसमें नोटिस में भी मेरा नाम नहीं है, क्योंकि जो पास चढ़ावा चढ़ाया उसका नोटिस आया। कितना कितना चढ़ाया? अब इसमें भी बहुत तरह का खेल है इसमें, कि 1/4 इन लोगों ने दिया, 75% राजस्व कर्मचारी और ये जो SK लाल शैलेंद्र कुमार लाल इन्होंने रख लिया। अब कैसे रखा उसका भी साक्ष्य हम देंगे कि इन्होंने किया। ईडी महोदय, इनको मैं मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को एक बार इनसे बात करने की ज़रूरत है,
एक बार आधे घंटे इनको बैठाइए, चाय वाय पिलाइए और इनसे बातचीत कीजिए। देखिए समय, चूँकि हमारा समय का थोड़ा सा तकाजा है, एक अकाउंट, ये देखिए ये अकाउंट डिटेल ये लेकर के आए हैं, इस अकाउंट की जाँच होनी चाहिए। ये अकाउंट हमें मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये अकाउंट HDFC बैंक का अकाउंट है, मिस रुक्मिणी देवी और मिस उर्मिला देवी का। सेविंग बैंक है 20631000005669, ये अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट नंबर की ईडी को जांच करनी चाहिए। ये डिटेल ईडी को दिए हैं? ये डिटेल भी अभी नहीं दिए, ईडी साहब बोला है कि फिर आपको हम बुलाएंगे, फ़ोन नंबर रख लिया है। इसमें एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, जो हमारा था मामला 6/12/16 में जिला भू अर्जन के द्वारा 4.5 साल के बाद निरस्त किया गया है। तो निरस्त जब पेमेंट नहीं दिया तो निरस्त तो उसको उस टाइम कर देना चाहिए, लेकिन 4.5 साल तक ये लोग इंतजार में थे कि 1/4 जिसे सबको दिया, तो दिनेश प्रसाद को इतना दौड़ाए हैं, इतना दौड़ाए हैं कि अभी गरीबी झेल रहा, तो हो सकता है 1/4 में आके ले ले, तो साढ़ जब नहीं लिए तो 4.5 साल के बाद ये निरस्त किया गया, समझे? तो देखिए इसको इसको खेल कहते हैं, चलिए तो इसको खेल कहते हैं। अच्छा, ACB की भी जाँच हुई थी शशि भूषण सिंह पर, क्या जानकारी है उसमें? जानकारी भी है, और उस समय जो जानकारी हुआ तो उस समय शशि भूषण ACB को भी पूरा जांच की रिपोर्ट सही तरीके से नहीं रखा, या तो जो भी कारण हो उनका पहुंच बहुत ऊपर तक है। कहाँ तक? एक DSP थे ACB में, जानते हैं आर्यन सिंह का नाम सुने हैं? इनका नाम हम बहुत सुने हुए हैं, समझे ना, नाम सुने हुए हैं, और ऐसे ऐसे अधिकारी से वही क्लीन चीट दिए थे। हाँ, जो भी है, तो आज जिंदा इन्हीं लोग का बदौलत है, आज गरीबों का खून पी रहे हैं, झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। तो ईडी महोदय दिनेश भाई को बुलाइए। मुझसे एक गलती हुई, मैं पहले दिनेश भाई को पागल समझता था, इसके लिए मैं ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि घोटाला ऐसा भी हो सकता है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब जब दिनेश जी से मैंने बात की तो मुझे समझ में आ गया कि भाई बहुत लंबा लेवल का खेल है, अलग लेवल का खेल है। ईडी को बिल्कुल, मतलब शशि भूषण जैसे लोगों को तो ढीला छोड़ना ही नहीं चाहिए। और एक और बात मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अगर ईडी शशि भूषण को जी मतलब ढीला छोड़ देता है तो सबसे पहले वो मुंह बा करके अभिषेक भारती को खाने आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इतना डंके की चोट पर दिखाया है। ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, ऐसे अधिकारी हम जैसे चेहरों पर स्माइल देखना नहीं चाहते। अभी ही इनका जो गैंग है वो मेरे सहयोगियों का कुछ तलाश रहे हैं, मेरे सहयोगियों के बारे में पता कर रहे हैं, और पत्रकार बिरादरी जो है वो पता कर रही है कि भाई सहयोगी जो मेरे हैं दीपक, जो कि इस मामले में मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, कि भाई उसका कुछ है क्या, अभिषेक भारती का कुछ है क्या। अब हम लोग तो देखिए छूछा, हम लोग को कौन पूछा, ठीक है वो ठीक है, हमारा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन चरित्र हनन की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए लगा लीजिए जोर, जितना जोर है। दिनेश भाई थकना नहीं, हारना नहीं, इतने साल की लड़ाई हारेंगे तो नहीं? हम तो थकने वाले नहीं है, ये हमारे लिए मौज का लड़ाई है। जब तक शशि भूषण सिंह और शैलेंद्र कुमार लाल को जब तक अंदर हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं बैठेंगे। बोलिए मेरे साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो देखिए दिनेश भाई हैं, इन्होंने भी हमारा जो टैग है उसी को कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सहयोगी पिंटू के साथ मैं अभिषेक भारती, नमस्कार, जोहार।